यक्षिणी भगवान शिव की दासियां कही जाती हैं और इन्हें देवियों के रूप में भी माना जाता है। इनमें अनंत प्रकार की शक्तियां समाई होती हैं। हमने इससे पहले यक्षिणी की उत्पत्ति पर एक वीडियो विस्तार से बनाया था। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 8 प्रमुख यक्षिणियों में से 2 मनोहारिणी और कामेश्वरी यक्षिणी के बारे में, और हम यह भी जानेंगे कि जब साधक इस यक्षिणी को सिद्ध करता है तो मनोहारिणी और कामेश्वरी यक्षिणी उसे क्या देती है। तो बने रहिए इस वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं, मनोहारिणी यक्षिणी को सबसे सुंदर यक्षिणी कहा गया है। यह साधक को तेजस्वता और ऐश्वर्य प्रदान करती है और साथ में साधक को उसके ही रूप की तरह सुंदर बना देती है। इस यक्षिणी को सिद्ध करने के बाद साधक जिसको भी चाहे अपने सुंदर रूप के जाल से उसको आकर्षित कर सकता है। मनोहारिणी यक्षिणी साधना में साधक जिस भी भाव और जिस भी रूप से यक्षिणी की साधना करता है, यह यक्षिणी उसको उसी रूप में प्राप्त होती है, जैसे माँ के रूप में, प्रेमिका के रूप में, बहन के रूप में। इनमें से जिस भी रूप की आराधना की जाए, यह स्वप्न में आकर बताती है, वो स्वयं प्रकट भी हो जाती है। यह यक्षिणी सिद्ध होने के बाद साधक को ऐश्वर्य संपत्ति आदि प्रदान करती है। अब बात करते हैं कामेश्वरी यक्षिणी की। कामेश्वरी यक्षिणी की साधना तभी की जाती है जब प्रेम या शारीरिक रूप से कोई समस्या हो। साधक के अनुरूप हर एक कार्य कामेश्वरी यक्षिणी करती है। इस साधना में साधक को पुरुष शक्ति प्राप्त होती है। पत्नी सुख की कामना करने पर यक्षिणी साक्षात पत्नी के रूप में उपस्थित होकर साधक की इच्छा पूर्ण करती है। इस यक्षिणी की विशेषता यह है कि यह हर एक वस्तु को प्राप्त करने में साधक की सहायता करती है।